आपने जैसे अगर जीडीएस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर रखा है तो बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आए हैं कि मैडम हमने जो है स्टेट का है हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कोई बोलता है कि हमारे पास सेंटर का है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बट उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सेंटर का ही चाहिए या फिर स्टेट का ही चाहिए। यानी कि इसका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टेट का है तो भी आपके लिए वैलिड है और सेंटर का है तो भी वैलिड है, भले ही आपने दूसरे स्टेट के लिए ही क्यों ना फॉर्म अप्लाई किया हो, फिर भी आपका अगर आपके पास स्टेट वाला ही फॉर्मेट में बना हुआ है तो भी वो एप्लीकेबल होगा, उसके बिहाफ पर आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरी बात हो गई है सभी से, और उन्होंने भी सबने यही बताया है कि सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिजिटल मोड वाला, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी कास्ट या कैटेगरी वाले की। सिर्फ ईडब्ल्यूएस का 1 साल के लिए था, उसको भी आप शपथ पत्र लगाकर अब 3 साल तक जो है बढ़ा सकते हैं, ये भी रूल जो है आ गया है। और वैसे जो ईडब्ल्यूएस है अगर आप 1 साल का ही रखना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और हाँ, कुछ कैंडिडेट्स के ये मैसेज आए थे कि हमने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है, मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर तक, तो उनका कहना ये था कि मैडम मेरा फर्स्ट डीवी तो हो गया है और मेरा जो सर्टिफिकेट था वो 31 मार्च तक वैलिड था, बट अब जो सेकंड डीवी है वो अप्रैल में होगा, यानी कि अप्रैल से तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट वित्तीय वर्ष लग गया है, तो क्या मेरे को नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो उसका आंसर यही है कि आपको बिल्कुल भी नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी जो है वो सर्टिफाई करा चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि हाँ मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था और ये वैलिड है। मेनली जो फर्स्ट स्टेज रहती है जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वही मेन रहती है, सेकंड में तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहती है, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज, जिसमें कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आपके चेक हो चुके होते हैं, सिर्फ आपको कुछ अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह दिए जाते हैं उनको फिल करना होता है, फिल करके लाना होता है, एंड प्री अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बताया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपका ट्रेनिंग लेटर ऐसे ऐसे इश्यू किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक ऐसे ऑथेंटिसिटी के लिए ही रहता है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके ऑलरेडी चेक हो चुके हैं वही सब चल जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी इंफॉर्मेशन आपको जो है सही लगी होगी एंड समझ भी आई होगी, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि और लोगों को भी इस जानकारी का पता चले तो आप चाहें तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।